वाह भाई वाह, क्या बात भाई। पहले बताया होता तो खाना नहीं खाता मैं। आपको पता है कि बारबेक्यू क्या होता है? बारबेक्यू? हाँ जी, कुछ फिर बता दीजिए। बारबेक्यू क्यों मना कर क्यों तो क्यों जानते हैं, पहचानते हैं, हम खुद भी करते हैं। सीख कबाब, कबाब को कहते हैं। अंग्रेज बारबेक्यू उस पकाने के तरीके को कहते हैं जो कि कोयले पे बनाया जाता है। वैसे बारबी ये गुड़िया भी था ना पहले, उसी के नाम पर रखा है ये। गुड़िया शायद कोयले में पक गई गया है। टेक्सास का नाम सुना है आपने? ये तो इंग्लिश का लफ्ज है, उर्दू में बताएंगे तो हम आपको बताएंगे। जिस तरह पाकिस्तान में सूबे होते हैं उस तरह से अमरीका में स्टेट होते हैं, तो टेक्सास अमरीका का एक स्टेट है। वो मुकम्मल एक साथ कंप्लीट सेट है उसका, डिनर सेट। आज हम आपको टेक्सास का मशहूर बारबेक्यू खिलाएंगे जिसे ब्रिस्केट कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ होता है ब्रेसलेट, कहते हैं ये गले की लॉकेट को कहते हैं। खाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल उन्नी के तैयार हूं खाने। ये क्या बोला है, इसका तारीफ करें फिर शुरू करें। जल्दी करें जल्दी, जो कहना है। ये जो आपके सामने रखा है ये है ब्रिस्केट। गोश्त वो भी कोयलों में। अरमान बाज गिचे रो गिरा वो खला ईडा रमार सिकंदर दाड़े अफक ही मसा के दाफ तम खुंगा का अफक। ये हमारे सकाफती गोश्त जो कोयलों में बनाते हैं। वाह भाई वाह, क्या बात भाई। जायका से तो गिचे नो मजा की क्या बना दाला। दोबारा भरना है इसे? हाँ जी, खा सकते हैं। आए तो लाए ना, क्यों नहीं लेंगे? अब दिल नहीं कहता, रुक जाओ। थैंक यू वेरी मच। बराबर। टेक्सास जर्मनी से भी दो गुना ज्यादा बड़ा स्टेट है। जर्मनी ने पूरी दुनिया पर कब्जा किया, दोबारा छोटा हो गया क्यों? वो गुब्बारा था क्या, उसका हवा निकल गया वो छोटा हो गया। इसको कहते हैं पीच कॉबलर। पीच कॉबलर? कॉबलर, कॉबलर। मेरी फटका जी। पीच यानी आड़ू। अच्छा, आड़ू का मिठाई। हाँ गुड। दादा सा अन्ना, हमें अन्ना रबड़ी को फील दा। इसको कहते हैं कोल्सलो। ये सलाद के तौर पर खाया जाता है। इसमें मायोनीज, गोभी के पत्ते, गाजर, नमक और काली मिर्च होती है। पहले बताया होता तो खाना नहीं खाता मैं, समझे? पेट पहले से भरा हुआ है, अभी क्या करूं? का नाम क्या बताया? पीच कॉबलर। मतलब पीच यानी आड़ू। वाकई जबरदस्त है, जन्नती है। इस तरह का हमें दे दो, फिर हम इसको कहाँ छोड़ेंगे? 5 बजे के बाद देते तो रोटी नहीं खाता जी। वाकई ये तो नैले पे दहला हो गया। एक तो बारबेक्यू, उसके ऊपर ये, वाह क्या बात है। टेक्सास में बारबेक्यू के जितने भी रेस्टोरेंट हैं वहाँ पर पीच कॉबलर लाजमी होता है। क्यों? क्योंकि लोग मीठे में यही खाते हैं। हकीकत है, आम उगिलासी नहीं लाखन, आम उगिलासी हर बंदा खुली पता, जवान उगिलासी, साफ उगिलासी। वाह भाई वाह, मज़ा आ गया। मैं तो खाता रहूँगा, आप लोगों को देर तो नहीं होगा? अरे आप खुल तो गिचे ना, खुला गिचे सू गिचे बिस्तरी मजेदार ही। मैं आज के नहीं खाऊँ, ये पिघल जाएगा, इसको छोड़ दूँ किधर। इसकी दम लेकिन ना खुन दर ना खाना खाते, हम अच्छी यक्ष जगह लगी ना लेकिन दांत गुटे खराब। ब्रिस्केट को पकाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसको आहिस्ता आहिस्ता धीमी धीमी आँच पर पकाया जाता है। अगर मेहमान को पकाना हो तो फिर गाय का गोश्त फिर आस्ते आस्ते पका, उसको देर होगा, फिर बोलेगा भाई अभी मैं जा रहा हूँ, फिर अपने बच्चों को दे दो खुद खा लो। तो किसी चीज़ की कमी तो महसूस नहीं हो रही? नहीं भाई, गोश्त के गोश्त मौजूद हो तो बादशाह मौजूद हो तो वजीरों के क्या होगा। मैं समझता हूँ, देखो हड्डी वाला गोश्त ज़्यादा अच्छा होता है या बगैर हड्डी वाला? हड्डी वाले तो बहुत मज़ेदार होते हैं। हड्ड वाला बाज किसी बिछी का मजा ही सीख, हालात छूटी हड्ड मरेगा बिसिंगा अमू बाज मजे। आजकल तो हमारे दांत भी कमज़ोर हो गए, पहले हम खुद हड्डियों वाला ढूंढते थे, क्योंकि जो हम छोटे थे ना, पाँव की हड्डियाँ नहीं होती बकरे के या उनको बीच से तोड़ा जाता है, उसके अंदर एक मगज़ होता है, जब उबल कर ये निकलता है ना, फिर उसको निकालने का मज़ा, एक तो गोश्त खा कर फिर दोबारा हाथ पर निकाल कर उसको खा लो, इतना मज़ा देता है।
कोल्सलो ना साइड डिश की तरह होता है। आपको लगता है कि कोल्सलो एक ऐसी चीज है जो मेन डिश भी बन सकती है? अक्सर जो उनको मैदे की शिकायत है वो मैं समझता हूँ उनके लिए गुजारे के लिए ज़बरदस्त है। वैसे भी मज़ेदार था, अकेले मैंने चखा, उनके साथ गोश्त के साथ भी मैंने चखा, लेकिन जायकेदार तो है। वैसे इसे खा सकते हैं रोटी के साथ में। बस ज़बरदस्त ट्रैक्टर वाला बस किसी में तीनों आइटम जो थे साइड किक थे या फ्रंट किक थे ये बेहतरीन थे। एक पहला मैंने डिश देखा है जो कम्प्लीटली ज़बरदस्त था। इसके देख के मैं कंफ्यूज हो गया, शायद चीज़ें ही थोड़ा लगे मैं अच्छा लगा, फिर लिपट के खाया इसको, बहुत अच्छा अल्लाह का। असल बात यह कि पका हुआ तो सही था, इसीलिए मैंने सारा चट कर दिया। कहते हैं कि जब खाना खाए तो मीठा हो जाए, तो मीठा भी रखाए, तो मैं समझता हूँ वाह क्या बात है बोनस की। टेक्सास बारबेक्यू खाकर कैसा लगा? माइंड ब्लोइंग, बहुत ज़बरदस्त बना हुआ था और हमने जम के खाए। हमारे वो कबाबी याद आ रहे हैं, हम सोचते हैं कि ईद जल्दी आ जाए। बिल्कुल पसंद। एक जानवर है उसका नाम है आर्मेडिलो। आर्मेडिलो ये क्या है? ये टेक्सास का कौमी जानवर है। कौमी जानवर, इसे देखकर बताइएगा कि आप लोगों के इलाके में ऐसा जानवर पाया जाता है? ना में जदुक का मारो, जदुक पालत। जब इसको एक लाठ मारोगे ना वो फिर मुँह अपने अंदर करेगा, फिर गोल माना फुटबॉल की तरह बन जाता है, क्योंकि उसके ऊपर कांटे होते हैं। हाँ ये वही है, कबर खुदाई करने वाला, मैयत को लेकर जाने वाला। ये छोटा जानवर मुझे लग रहा है, स्पीड इसकी 100 से भी ज़्यादा है। बहुत ही खतरनाक और ताकतवर, यानी ये गोली की रफ्तार से जाता है। हाँ ये शोएब अख्तर है गरीबों का जानवरों का। का संग बाज मेहरबानी नाना प्रोग्राम में दोस्त बस तक नाना। हमारे मजीद अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए पेट्रोन पर आए। आज का वीडियो आप लोगों के कैसा लगा? मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अपने खर्चे पर। बाय बाय।